नमस्कार, आज वीडियो को आपण स्वागत। आज वीडियो रे आमे अष्टम श्रेणी आम भाषा आम साहित्य बहर कानाडा दर्शन विषयटर व्याकरण और व्यावहारिक ज्ञान प्रश्न उत्तर गुड़िका तेरे या पूर्व यार संक्षिप्त उत्तरमूलक सरलार्थ प्रश्न उत्तर गुड़िकमें आलोचना कर सारी जो वीडियो गुड़ाक लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिलजिव। तेरे चलो व्याकरण प्रश्न उत्तर गुड़िका। ख विभाग सात नंबर क प्रश्न था यूरोपीय पदटी यूरोप शब्द रे इय जहाँ को संबंध अर्थ रे व्यवहार करा जाइछि प्रत्यय जोड़ा जाइछि जहाद्वारा कि यूरोपीय शब्दी होइछि सेपरी भारतीय मध्य हुए भारत युक्त इय जोड़िले भारतीय हुए जहाँ कि भारत संबंधी अर्थ प्रदान करे। तेणु शब्द रे इय प्रत्यय युक्त होइथवा केतोटी पद गठन करबाको हेबो आमको। तेबे आमे कोन करबा ना उत्कल युक्त इय उत्कलीय बंगीय अमेरिकीय ए भले आमे करिबा। ख नंबर प्रश्न नुहे एटा केवल शिखिबा पई देछि कि ए प्रत्ययटी ओडिया रे प्रचलित केतोटी इंग्राजी शब्द रे भी युक्त हो पारुछि जेपरि गैस युक्त इय गैसीय फोनिमिय ऑफिसियो ए भले। तबे आमे जिबा परवर्ती प्रश्न माने आठ नंबर प्रश्न को विभिन्नता पदटी को अनुध्यान कर भिन्न शब्द एठी मूल रूप रे अछि यार पूर्व पूर्वसर्ग बा उपसर्ग भावे जोड़ी होती बी एवं मूल रूप पर भाग में परसर्ग बा प्रत्यय रूपे जोड़ी होती ता। तेबे पदटीर संरचना धारा होची बी युक्त भिन्न युक्त ता मिसिक होची विभिन्नता। तो यही प्रबंधर अन्य केतोटी संरचना बाछिके आम लिखा तो आम लिखले अधिवासी जोटा हूँ पूर्वसर्ग बा उपसर्ग हूँ अधि मूल शब्द हूँ बस ता देहरे आम लगे इन हला अधिवासी उन्नत उत युक्त नम युक्त त हला उन्नत। तो तुम्हें माने चाहिले आउरी मध्य बहिरु बाछिके लेखि परिबो तो मुई दुईटी उदाहरण देछि। नौ नंबर प्रश्न देछि शिक्षा दीक्षा मरीसढ़ी एई गुड़िक की प्रकार युग्म शब्द लेख प्रबंधर मध्य युग्म शब्द बाछिके तार अर्थवत प्रकार लेख जेपरी शिक्षा दीक्षा होची सम अर्थवाची युग्म शब्द तो बसवास मध्य होची सम अर्थवाची युग्म शब्द रास्ताघाट मध्य सम अर्थवाची युग्म शब्द एवं पोकजोक मध्य होची सम अर्थवाची युग्म शब्द एगुड़ी को आम प्रबंधर बाछीचे। तुम्हें चाहिले आउरी मध्य जहाँ थी प्रबंधर केते गुड़े जोटा कि मुझे छाड़ी दे थी हुए तो समय अभाव तुम्हें मैंने लिखिपर। दस नंबर प्रश्न शत अब्द वर्षर समाहार को आम शताब्दी बोली कही था से भाई केतोटी आम लिखा जोड़ा कि अभ्यास आम कर विश्लेषण। तो उपजाति जोगुड़ा जातिर सदृश आदिवासी आदि कालर बास कर युवाक केवल तुम मानी पढ़ी बुझापी एणसी आमको उत्तर लिखा पड़बनि आम केवल युवक बुझी बुझी देखा। तो तुम मान पाखे बही अच्छी से तुम्हें देखिपर मुटी को करूना। एगार नंबर प्रश्न देती पूर्वसर्ग गुड़ी को चिन्हाओ बा उपसर्ग गुड़ी को चिन्हाओ अनुमोदन उपसर्ग हूँ अनु सुदृढ़ सु अनुभव हूँ अनु अजाचित हूँ अहिंसार मध्य अविचलित हूँ बी। बार नंबर प्रश्न देती निर्देश क्रम लेख क नंबर देती सेठारे अधिकांश जगार कौन सी बसति ना या आम अस्त्यात्मक वाक्य लिखा तो आम कौन लिखा ना सेठारे अधिकांश जगार बसति अच्छी। ख नंबर फरासी लोकों संख्या कालक्रमे कमीगला या नकारात्मक रूप से लिखा तो फरासी लोकों संख्या कालक्रमे कमीगला ना मु आगुरु भी कही आम नकारात्मक वाक्य को आम दुई प्रकार लिखिपर गोटे अर्थ को बदलाए और गोटे अर्थ को न बदलाए तो युक अर्थ बदली जाऊँगी तो से हिसाब से आम लिखीचे आउ पूर्व भिडियो मानक अर्थ को न बदलाए केमी लिखा जाए सहीटा मुतोटी उदाहरण कर। ग नंबर दोकान बजार सब अति उन्नत विस्मय सूचक वाक्य लिखा तो कौन लिखा ना दोकान बजार सब केड़े उन्नत। घ नंबर सेठारे जनसंख्या बढ़िया दरकार या नकारात्मक वाक्य लिखा तो सेठारे जनसंख्या बढ़िया दरकार ना। तेरह नंबर प्रश्न मूल्यवान पदटी बान बा अच्छी प्रत्यय युक्त होती बान प्रत्यय भली मान मत बत बती बंती ये सब प्रत्यय गुड़िक अच्छी अर्थर शब्द पर जोड़ी हमें जेपरी श्रीमान धनवत श्रीमत भाग्यवती धनवंती आउ केतोटी पद आम गठन करवा तुम्हें मैंने गठन कर तो आम कौन लिखा दयावान धीमान भगवान धनवती श्रीमती गुणवंती।
14 नंबर प्रश्न क ओ ख विभाग रे केतक शब्द दिया जाइछि उभय विभाग रे संपर्क थवा शब्द गुडी को जोड़ी लेखिबा त क विभाग रे सब शब्द गुडी को देखु छ तुमे ख विभाग रे शब्द गुडी को देखु छ त आमे जोड़ीबा त कोन हबो ना जंगली मईसी पुरातन सभ्यता रक्ताक्त विप्लव समृद्ध शहर आदिम अधिवासी सारगर्भक शिक्षा शब्द गुड़ी को आमे जोड़ी सारिबा परे से कहुची क विभाग रे थवा शब्द गुड़ी को विशेषण एवं ख विभाग रे शब्द गुड़ी को विशेष्य वर्तमान आमे विशेषण को विशेष्य रे लेखिबा एवं विशेष्य शब्द गुड़ी को विशेषण पद रे लेखिबा तो जंगली रहब जंगल पुरातन रहब पुरातत्व बा पुरातनता रक्ताक्त रहब रक्त समृद्ध रहब समृद्धि आदिम रहब आदि सारगर्भक रहब सारगर्भ शहर रहब शहरी ବିପ୍ଳବର ବିପ୍ଳବୀ ବା ବୈପ୍ଳବିକ ଶିକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷିତ ଶୈକ୍ଷିକ ମଧ୍ୟ ହେବ ଅଧିବାସୀର ହେବ ଅଧିବାସିତ ମଇଁଷୀ ହେବ ମଇଁଷିଆଳ ସଭ୍ୟତା ହେବ ସଭ୍ୟ ତେବେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ କି ଯଦି ଆପଣମାନେ ୟାର ଅନ୍ୟ କିଛି ଉତ୍ତର ପାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉତ୍ତର ଲେଖାଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଲେଖିପାରିବ ଯଦି କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ମୋର ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ସହିତ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ କାହିଁକିନା ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁବେଳେ ରହିଛି ତ ଆମେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପୁରାତନ ପଦଟିରେ ପୁରା ଶବ୍ଦ ସହ ତନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ତନ ଏଠାରେ ସମ୍ପର୍କ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଳି ଅର୍ଥ ଦେଉଛି ତେବେ ପୁରାତନ ପଦଟିର ଅର୍ଥ ପୁରୁଣା କାଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ପଦ ଆମେ ରଚନା କରିବା ତା ଆମେ କରିବା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରାକ୍ତନ ଚିରନ୍ତନ ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଯାଇଛି ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଆଲୋକପାତ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଧାରି ପାରିବି ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ତେବେ ମୁଁ ଦେଖାହେବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି ତାକୁ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବି।